कसौटी जिंदगी की 2 से हीना खान की एग्जिट की खबर पर लगी मोहर। जी हाँ, फर्स्ट ऑन जूम शो में निवेदिता बासु का कैरेक्टर प्ले करने वाली पूजा बैनर्जी ने इस बात को कर दिया है कंफर्म। मुझे सीरियसली नहीं पता, पर आई एम श्योर दे माइट बी कंसिडरिंग समबडी, बिकॉज हिना को दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए जाना है, सो आई डोंट नो, आई डोंट थिंक शी विल बी एबल टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। पॉपुलर सिंगर मीका ने किया जूम पर एक्सक्लूसिव खुलासा। हाल ही में मीका पर दुबई में एक मॉडल ने मोलेस्टेशन का आरोप लगाया था, और जब जूम ने इस बारे में मीका से किया सवाल तो उनका क्या कहना था, आप खुद ही सुन लीजिए। देखो होता क्या है कि जैसे कुछ जैसे मेरे जैसे सेलिब्रिटीज लगा लो, या मेरा एक अलग सा ऑरा है या नाम है, कि अगर आप मेरे साथ कोई भी कंट्रोवर्सी करता तो बहुत इजीली हो जाती है। अगर आप किसी और पे कंट्रोवर्सी करेंगे तो शायद लोगों को भी मज़ा नहीं आता सुनने में, ना ही मीडिया को अच्छा लगता है। सो बट आई एम यूज टू इट कि जब भी लोग कोशिश करेंगे मुझे बदनाम करने की या मुझे गिराने की, बट आई लव माई फैंस जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि इतने सालों से बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं, बहुत सारे यू नो आपके ऊपर लोग उंगली उछालते रहते हैं, बट माई लवली फ्रेंड्स दे आर लाइक माई यू नो बैकबोन, जो इतने टाइम से मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं। एंड यही वजह है कि कभी मेरे शोज़ या कभी मेरे गानों में कभी कोई रुकावट नहीं आई, बिकॉज जो मेरे फैंस हैं दे नो मी वेरी वेल कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ एंड दे लव। मीका ने ये बातें उस दौरान शेयर की जब हाल ही में वो टीवी शो गठबंधन के सेट पर होली स्पेशल एपिसोड के शूट पर पहुंचे थे।